की हम कोठरी वाले माता की गलियों में उम्र बिताएंगे। रोहर शाही कहते पुराने साथी जागरी, पुराने साथी विजय, नए साथियों आगे भाई। अरे नए साथियों को आगे, पुराने को पीछे ले जाए। सर ये भाई आप भी थोड़ा पीछे हो रहे, आगे रहे नए साथी। आप आगे तशरीफ हैं, नीचे वाले नीचे आगे तशरीफ हैं, सबका आप ही आ गए। इंसान है क्या जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, मिट्टी से बनाया, उसमें एक रूह डाली, शेर में डाली, इस मिट्टी के जिस्म में फिर छह रूहें डाली, उनके बकायदा नाम है कलब रूह सिरी खफी अख्फा अन्ना। इसमें छह रूहें डाली, शैतान आया, उसने आपके जिस्म के ऊपर थूका, अकार से जब थूका ना तो उसका जो जरासीम था ना तो वो भी उस जिस्म के अंदर चला गया, और जो छह रूहें थी ना वो अल्लाह ने डाली थी, वो जिस्म भी पाक मिट्टी से बना था, वो पाक ही था, लेकिन जब वो शैतानी थूक गया ना तो फिर वो जिस्म खराब हुआ ना। उसके लिए फिर बुल्ले शाह ने फरमाया, इस नफ्स पलीत ने पलीत कीता, असा मुंडू पलीत ना से। वो जो चीज आई ना, अब नीचे आप हमारे ये गोश्त ये भी कोई नापाक नहीं है, साबा को कि जब इंसान पैदा होता है उसके साथ एक शैतान जिन भी पैदा होता है, तो साबा ने पूछा फिर आपके साथ भी पैदा हुआ होगा, फरमाने लगे पैदा हुआ था लेकिन मेरी सोबत से मुसलमान हो गया। अब हजूर पाक के जिस्म में नूर था ना, जब वो नफ्स आया ना जिस्म में तो वो भी नूर हो गया ना। अब आम आदमी जो है उसके जिस्म में नूर तो नहीं है ना, वो पलीत चीज उसमें है, उसका जिस्म अब पलीत ही है, अब उसमें नूर नहीं है ना कि वो चीज अंदर जाकर पाक हो जाए, अब उसको नूर बनाना पड़ता है ना, अब उसको पाक करना पड़ता है ना। जब तक इंसान पाक नहीं होता है ना तो फिर वो इंसान को नहीं है ना, क्योंकि आप यहाँ बैठे हुए हैं ना, जैसा आपका नफ्स है बातन वालों को आप वैसे ही नजर आएंगे। एक दफा राबिया बस्सी ने अपने गुलाम को कहा कि तेल लेके आओ बाजार से, लेकिन तेल किसी इंसान से लेना, वो कहने लगा मुझे तो सारे इंसान लगते हैं, उन्होंने अपना बाल तोड़ के दिया, इसकी गोलाई में देखना। वो सारा दिन बाजार में घूमते रहे, कोई कुत्ता नजर आए, कोई गधा नजर आए, कोई बैल नजर आए, बड़ी मुश्किल से एक आदमी इंसान नजर आया और उससे तेल लिया। अब जो इंसान का नफ्स है ना, क्योंकि नफ्स का पूरे जिस्म के ऊपर तसल्लत होता है, तुम्हारे दिमाग में भी उस नफ्स का तसल्लत है, तो तुमको कुछ सोचने नहीं देता है, अच्छी चीज नहीं सोचने देता, अच्छी चीज के लिए जाओगे रोकेगा, उसका तसल्लत है। अब जब तक तुम वो पाक नहीं होगा यार, पाक हो जाए या मर जाए उस वक्त तक जान छूटेगी नहीं ना। जब तक इस मकान में कुत्ता है ना, अब उस कुत्ते को निकालना है ना। ये हदीस शरीफ में कि जिस घर में कुत्ता हो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। लो
लोग कहते हैं वो कुत्ता। इस नफ्स ने कहा मैं कुत्ता नहीं वो कुत्ता। और वो कुत्ता क्यों? वो तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए जन्नत में बनाया था। अल्लाह, जब वो शैतान थूका ना शैतान ने, उसके बाद अल्लाह ताला ने वो कुत्ता बना दिया। ये रास्ते में खड़ा हो जाता था, फिर शैतान आता उसको भौंकता, उसके पीछे भागता वो भाग जाता हिफाजत के लिए। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम नीचे आए तो उस कुत्ते को नीचे भेज दिया, जहाँ जाकर उनकी हिफाजत। अब उसका क्या कसूर है? उसको हिफाजत के लिए बनाया, वो हिफाजत कर रहा है, हिफाजत कर रहा ना जिस काम के लिए आज तक हिफाजत कर रहा है। अब उसको घर के कोने से बाहर बांध के आओगे तो मेरी हिफाजत क्या करेगा? उसको तो घर में रखना पड़ेगा। वो कुत्ता नहीं, ये कुत्ता, ये नफ्स कुत्ता जिसके अंदर ये कुत्ता है, वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। बल्कि एक कुरान मजीद में हदीस शरीफ में कि कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं, कुरान उनके ऊपर लानत करते हैं। जिनके नफ्स कुत्ते हैं ना, वो नफ्स अमारा उसको बोलते हैं। जिसके अंदर नफ्स अमारा, हाँ वो कोई भी है, कुरान को हाथ लगाता वो नापाक है ना भाई। आप नफ्स कुत्ता है, आप नापाक हैं, बाहर से पाक है अंदर से नापाक हैं। आप कुरान को हाथ लगाते हैं, आपको कुरान लानत करता है। उसने किस तरीके से लानत करी? लोगों ने अब मजद्दद से फरमाते हैं कि मुब्तदी को चाहिए, जिहड़ा पहला बंदा है, मुब्तदी को चाहिए कि पहले अल्लाह का जिक्र करे, अपने नफ्स को पाक। कुरान उन लोगों के पढ़ने के काबिल नहीं है जिनके नफ्स कुत्ते हैं। जब तक तुम्हारे अंदर नफ्स कुत्ता है, कुरान तो तुम्हारे अंदर ही नहीं जाएगा ना। फरमाते हैं जब नफ्स पाक हो जाए फिर कुरान पढ़े। अब तो तुम कुरान पढ़ते हो, रटते ही हो ना, अंदर तो नहीं जाता है ना। नफ्स पाक हो जाए फिर कुरान पढ़े, फिर एक लम्हा का फिक्रिया 100 साल की इबादत से बेहतर है। थोड़ी सी देर पढ़ेगा ना 100 साल की, फिर कुरान उसके अंदर उतरेगा ना। अब मकसद ये है, कुरान मजीद भी कहता है, वलियों ने भी कहा है, हजूर पाक ने भी कहा कि जहाद अकबर है, नफ्सों से जहाद करना जहाद अकबर है। जब तक नफ्स तुम्हारा पाक नहीं होगा, तुम्हारे को कोई मंजिल मिलेगी नहीं, कोई इंसानियत की भी मंजिल नहीं मिलेगी। भाई तुम इंसान समझते हो ना, लेकिन तुम्हारे अंदर नफ्स है ना, कुत्ता है ना। एक हिंदू ने इंग्लैंड में कहा, उनका बड़ा था गुरु, कि तुम भी कहते हो इंसान के अंदर कुत्ता होता है, वहां कहते हैं, कहता हम भी कहते हैं इंसान के अंदर कुत्ता होता है, कहता हम कहते हैं इंसान के अंदर कुत्ता है, अगर कुत्ता है तो हम कुत्तों वाले काम को ना करें। उसने कहा हम कुत्तों वाले काम तो हमसे खुद बहुत भी होंगे, अंदर कुत्ता जो है, जब तक इस कुत्ते को निकालोगे नहीं तो हम तो कुत्ते ही। वो खुद नाराज कहने लगा। तो अपने आप को भी अंदाजा लगाए ना, अंदर कुत्ता है तो काम कुत्तों वाले ही हो रहे हैं ना, वही काम हो रहे हैं ना। अब मकसद है उसको पाक करना है। जब तक आप पाक नफ्स नहीं कर सकेंगे ना, आपको हजूर पाक तक भी रसाई नहीं होगी। अल्लाह तो बहुत दूर है ना, वो तो आसमानों के ऊपर है, हजूर पाक तो यहाँ है ना, मदीना शरीफ में ना, और यहाँ भी तुम्हारी रसाई नहीं हो सकेगी ना। अब नफ्स पाक कैसे होता है? उसके दो तरीके हैं। एक तरीका है तो जंगलों में चले, ये जो हवा है ना इसमें नार है, ये जो हम गजा खाते हैं ना इसमें भी नार है। जंगलों में चले जाते हैं, ये गजा छोड़ देते हैं, ज्यादा इबादत में रहते हैं, रोजे व रखते हैं, फिर कहीं किसी अरसे में जाके उनका नफ्स पाक होता है। ये तो वो है जो जंगल में जाता है। अब तुम तो जंगल में जाने वाले नहीं है ना, कोई भी नहीं जंगल में जाने वाला। अब जो शहरी है वो नफ्स को पाक कैसे करे? देखो शहरी लोग जो है, जो जंगल वाले में जाने वाले नहीं है, वो नफ्स को पाक कैसे करें? जंगल वालों के लिए दवाइयां हैं, जड़ी बूटियां। जंगल में जाएगा, जंगलियों को देखो, जाके जड़ी बूटियों से उनको शफा होती है। तुमको जड़ी बूटियां स्वाद है, तुमको टीके लगते हैं। यही बात है ना। तुम शहरियों को कहीं से जिक्र कल्ब हासिल करना पड़ेगा।
जिक्र कलब क्या होता है? जो भी कुरान की आयत है ना, उसमें नूर है। लेकिन ये जो कुरान मजीद है जो हमारे पास है ना, इससे नूर बनाया जाता है। जो हजूर पाक के सीने मुबारक में कुरान है ना, वो नूर ही है, वो नूरी अल्फाज से है। वो जिस सीने से आपने सीना लगाया, उस सीने में नूर चला गया। ये जो कुरान पाक है ना, ये उसकी नकल है ना। असल तो वो है, नूर है ना, ये उसकी नकल है। कागज पे तो नहीं लिखा है ना, कातब ने लिखा, प्रेस में छप गया ना। इससे नूर बनाना पड़ता है। अब लोगों को इससे नूर बनाने का पता नहीं है, वो सिर्फ पढ़ते हैं, रटते रहते हैं। अब नूर कैसे बनाते हैं? जब आयतें आयतों से टकराती हैं तो तब नूर बनता है ना। पानी पानी से टकराता है तो बिजली बन जाती है ना। लोहा लोहे से टकराता है तो चंगारी उठती है। अल्लाह अल्लाह से टकराता है तो नूर बनता है। ये रगड़ से बनता है। कोई भी चीज रगड़ो वो अपना असल दिखाएगी। अल्लाह अल्लाह को रगड़ो। आपने कई जुबानों ने, कई लोगों ने फिर इसको तस्बीह, और तस्बीह है देखना, टिक टिक के साथ अल्लाह अल्लाह करते हैं। क्यों करते हो पता ही नहीं है, बस बुजुर्ग बुजुर्ग करते थे, हम भी करते हैं भाई। अगर सिर्फ टिक टिक के साथ अल्लाह अल्लाह करनी है, आप बगैर टिक टिक के भी अल्लाह अल्लाह कर सकते हैं ना। बेशक उंगलियों क्यों थकाते हैं? नहीं, वो उंगलियों से रगड़ा देते हैं अल्लाह अल्लाह को, उस टिक टिक के साथ रगड़ा देते हैं अल्लाह अल्लाह को। 101 दफा रगड़ा लगता है तो मामूली सी नूर की चिंगारी बनती है। पूरा मुसलसल अल्लाह 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 101 दफा हो ना, तो फिर मामूली से नूर की चिंगारी बनती है। तो हमारे तस्बीह वालों को पता ही नहीं, 10-15 दफा करते हैं अल्लाह 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 अल्लाह, तो उसके बाद पूछते हैं क्या हाल है, खैर है ना? वो तसलसल तो खत्म ही हो गया ना भाई। 10-12 दफा किया तो 101 दफा हो तब, उसने 10-12 दफा किया वो तसलसल खत्म हो गया ना, तो उनको नूर बनता ही कोई। अगर किसी का नूर बनता भी है तो वो नूर उंगलियों में है ना, अंदर तो नहीं है ना। ये एक इबादत है, ठीक है। इसका जो नूर बनाया था जमा हो जाएगा इसके खाते में, आगे जाके काम आ जाएगा। अब भी इसको कुछ नहीं है, सिर्फ इसके खाते में लिख दिया गया ना। इसी तरह की तस्बीह अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर बना दी है, वो भी करती है टेक 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 टेक। देखें जो हर चीज पे कादर है, बगैर टिक टिक के भी वो खून दौरान कर सकता था ना। मैं खून इधर से चलता चलता आता, फिर मुड़ के चलता ही रहता, टिक टिक की जरूरत थी। और टिक टिक उसने तस्वीर बनाई तुम्हारे अंदर, वो तुम्हारे दिल की तस्वीर है। उस टिक टिक के साथ अल्लाह अल्लाह मिलानी पड़ती है। फिर जब उस टिक टिक के साथ अल्लाह अल्लाह मिलता है, फिर अंदर अल्लाह अल्लाह कर जब रगड़ा लगता है, तो फिर वो जो नूर बनता है वो उंगलियों में नहीं आता है, वो खून में जाता है। क्योंकि उस टिक टिक का तलक खून से है, फिर वो खून में जाता है, खून से फिर नसों में आता है, नसों से फिर तुम्हारे रूहों में जाता है। क्योंकि रूह अंदर नसों में है ना, जब रूह में जाता है ना, तो फिर रूह जो है ना वो तो कब की प्यासी है ना। जब उन तक अल्लाह अल्लाह जाता है, फिर वो अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देती है। फिर जब वो अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देती हैं, फिर तुम सोते रहना और रूहें अपने अल्लाह अल्लाह करती रहेंगी। तुम कब्र में भी चले जाओगे तो रूहें कब्र में भी अल्लाह अल्लाह करती जाएंगी। तुम यौमे महशर में चले जाओगे, रूहें वहां भी अल्लाह अल्लाह करती रहेंगी। अगर तुमने रूह को यहाँ अल्लाह अल्लाह सिखाया तो वहां अल्लाह अल्लाह करेंगी ना। अगर यहाँ अल्लाह अल्लाह नहीं सिखाया तो दूसरी में जो यहाँ आंदे वो वहां भी आंदे। अब वो जो नूर है, नस नस में गया, रूह तक गया, वो जो नफ्स है वो भी यहाँ नसों में ना। अब वो नूर खुद बखुद ही नफ्स तक पहुंच गया ना। जब नफ्स तक पहुंच गया ना, तो उसकी जो गजा बाहर से आती है नार, हवा के जरिए, खुराक के जरिए, अब वो जब अंदर जाती है नार, अंदर नूर है, वो उसको जला देता है। जब नूर उसको जला देता है, अब नफ्स तक गजा नहीं पहुंचती है, तो फिर ये जो मखलूके हैं, ये बिल्कुल जिस तरह जिन और फरिश्ते बातें कर लेते हैं, जो काम जिन फरिश्ते कर सकते हैं, ये मखलूके भी वो काम कर सकती हैं, अगर अंदर ताकत पकड़ जाए तो। फिर जब उस नफ्स को सजा नहीं मिलती, तो फिर इन हमसायों को बोलता है मुझे कुछ खुराक दो, मैं तो मरने लगा। वो उसको नूर का लुकमा देते हैं,
यहाँ फिर अगर सरकश नफ्स है तो वो नूर नहीं खाता, अंदर ही मर जाता है। अगर डरपोक किस्म का है तो फिर वो जिंदा रहने के लिए नूर हासिल करता है। तो दूसरे दिन नूर, फिर अगर नूर उस अंदर ही नूर है फिर खुद नूर खाना शुरू हो जाता है। उस नूर के असर से वो काला कुत्ता था फिर वो सफेद कुत्ता बन जाता है। पहले वो नफ्स अमारा था, फिर अल्लावामा की शक्ल इख्तियार कर लेता है, फिर वो बैल की शक्ल में आ जाता है, फिर उस नूर के असर से वो बकरे की शक्ल इख्तियार कर लेता है, फिर उस नूर के असर से तुम्हारी शक्ल इख्तियार कर लेता है। तुम जिक्र करोगे साथ बैठ के वो भी जिक्र करेगा, तुम नमाज पढ़ोगे साथ बैठ के वो भी नमाज पढ़ेगा। उस वक्त उसको पकड़ कर फिर हजूर पाक की महफिल में लेके जाते हैं, फिर हजूर पाक और हाजरीन अशिश करते हैं आफरीन इसके ऊपर और इसके मुर्शिद के ऊपर जिसने कुत्ते को पाक साफ किया और इस इंसान बनाया और इस महफिल में ले आया। उस वक्त हजूर पाक खुश होकर उसको मर्तबा दे देते हैं। अब रसाई हजूर पाक तक होगी ना, अब रसाई अल्लाह तक कैसी होगी? अब हर वक्त जब अल्लाह लाहौरी है, इस दिल में अल्लाह का नूर जो है ना वो जमा हो गया, इस तुम्हारे जिस्म में बिजली है, ये तुम्हारी जो सूरत है ये बिजली से है, और जो बिजली कैसे बनती है वो जो टिक टिक करती है ना इस वक्त टिक 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 टिक, उसके रगड़े से तुम्हारी अंदर बिजली बन रही है। पानी जब पानी से टकराता है ना तो बिजली बनती है। ये जो अंदर खून है ये कई आबशारों से ज्यादा ताकत रखता है, जब खून खून से टकराता है ना तो बिजली बनती है। वो तुम्हारी नसों में घूमती है और इसका सबूत है अंग्रेज ने एक बत्ती बनाई है। ठोस चीज दीवार वगैरह वो नहीं जलती है, लेकिन जब इंसान या जानदार चीज उसके सामने जाती है ना तो वो जल पड़ती है, यानी सिर्फ बिजली है तब ना। वो धड़कने जो है ना वो बिजली बना रही है, जब उन धड़कनों के साथ अल्लाह मिलता है ना तो वो जो बिजली है ना वो नूर की खासियत इख्तियार कर लेती है ना। अब वो बिजली नूर बन गया ना तुम्हारे अंदर। अब इस दुनिया में निजाम बिजली का है, यहाँ मोबाइल फोन पड़ा हुआ है, इसकी यहाँ से लहरें उठती हैं, अमेरिका से कनेक्शन मिलता है जाके। अगर बिजली की लहरें उठती अमेरिका जाती हैं तो जहाँ नूर की लहरें उठेंगी तो वो कहाँ जाएंगी? फिर अगर किसी में नूर हो तो फिर यहाँ से लहरें उठती हैं तो अर्शे मौला में जाती हैं। फिर जब अर्शे मौला में जाती है ना तो फिर तुम्हारा कनेक्शन अर्शे मौला से भी हो गया। अब तुम्हारी नमाज जो अल्लाह तक पहुंचती है उसका जो जरिया ये टेलीफोन है। तुम्हारी बात अमेरिका तक उस फोन के जरिए पहुंचेगी, वरना शोर मचाते रहो। तुम्हारी नमाज इस नूरी टेलीफोन के जरिए अल्लाह तक पहुंचेगी, वरना टकरे मारते रहो। हकीकत है, क्योंकि जो अल्लाह और तुम्हारे दरमियान चीज है, पहुंचाने वाला टेलीफोन है, तुमने उसको बंद ही कर रखा है तो कैसे तुम्हारी नमाज ऊपर जाए? जब ऊपर जाती नहीं तो फिर होती ही नहीं ना। और इसका सबूत है, अगर तुम्हारी नमाज हो, तुम कहते हैं हम दिल से नमाज पढ़ते हैं, एक हदीस में है कि ला सलाता इल्ला बिहुज़ूरे कलब, दिल की हाजिरी के बगैर नमाज नहीं होती। तुम कहते हो हम दिल से नमाज पढ़ते हैं, यही कहते हो ना, मतलब मैं भी सर्दी में जाता हूँ, गर्मी में, धूप में जाता हूँ, मस्जिद में जाता हूँ, रुकू सजूद वुजू वगैरह करता हूँ, तो दिल से नहीं तो क्या, यही कहते हो ना। तुम्हारा कोई दोस्त होगा या अजीज होगा, 20-25 साल तुम्हारे साथ वो नमाजें पढ़ता रहा, वही तुम्हारा अकीदा था उसका, अचानक पता चला कि वो गैर मकलद हो गया, होंगे ना ऐसे भाई, अगर उसकी एक नमाज भी कबूल होती तो गैर मकलद क्यों होता? यानी जब वो गैर मकलद हुआ तो उसने पिछली नमाजों की नफी करी है ना, वो पिछली नमाजों को उसने नफी कर दी है ना, इसका मतलब है उसकी नमाजें फिर हुई कोई ना, तब उस खुद उसे नफी कर दी है ना, खुद उसे नफी कर दी है पिछली नमाजों की। उसने कहा वो पहले जो मैं था वो गुमराह था, जब गुमराह था फिर तेरी नमाज को नहीं थी ना, वो भी दिल से तुम्हारी तरफ मस्जिद में जाता था ना। अगर वो गैर मकलद हो सकता तो तुम भी गैर मकलद हो सकते।
आप जो दिल से नमाज पढ़ते हैं उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अल्लाह अल्लाह सीखनी होगी। दिल की धड़कनों को अल्लाह अल्लाह में लगाना पड़ेगा। फिर कोशिश करोगे मैं काम काज करता रहूं, अल्लाह अल्लाह होती रहे, इसको बोलते हैं दस्तकार में दिल यार में। फिर कोशिश करोगे गाड़ी चलाता रहूं, अखबार साला पढ़ता रहूं, अल्लाह अल्लाह होती रहे, कामयाबी हो जाएगी। फिर कोशिश करोगे मैं नमाज पढ़ता रहूं और अल्लाह अल्लाह होती रहे, क्योंकि जो जुबान में हो वो दिल में हो तो आप सच्चे हैं ना। अगर जुबान में और है दिल में आ रहा है तो आप मुनाफिक हैं ना। जब दुनियावी लिहाज से भी आप जुबान में और हो दिल में कुछ और हो तो आप मुनाफिक हैं, कि अल्लाह के मामले में अगर जुबान में और है तो दिल में और है तो फिर बहुत ही बड़े मुनाफिक हैं। सही है ना, आपकी जुबान में ही है कुल हुवल्लाह खास, दिल में ही है कान में आटा कोनी, यही है ना। जुबान में अल्लाह उस्मा, दिल में बीवी बीमार है, लामी अली दुआ लामी उलाद, दिल के आते हैं ड्यूटी से लेट हो गए, चल बहुत बड़ा मुनाफिक है, यकीन करो। इसको नमाज सूरत बोलते हैं। सूरत जिस तरह तुम्हारा फोटो है तुम ही हो, लेकिन वो फोटो काम क्या देगा, है तुम ही हो, वो फोटो तुम्हारा ही है लेकिन वो तुमको कोई फायदा तो नहीं देगा ना। फायदा तो असल जो है उससे फायदा असल होगा ना, असल को हकीकत बोलते हैं ना। मजद साहब फरमाते हैं कि आम आदमी की नमाज सूरत है, खासान खुदा की नमाज हकीकत है। फरमाते हैं हर आदमी को चाहिए कि नमाज हकीकत की तलाश करे। वो जो हदीस शरीफ में कि इल्म हासिल कर तुझे चीन तक क्यों ना जाना पड़े, वो इस इल्म के लिए थोड़ी कहा था आपने, ये तो हर मस्जिद में जाके मिल जाता ना, तो इसके लिए चीन में जाने की जरूरत है। ये जिस मस्जिद में चले जाओ वो इल्म लुदनी था, वो दिल का इल्म था, इसके लिए चीन तक ही जाना पड़ता है, बड़े दूर दूर तक जाना पड़ता है। फिर जब तुम कोशिश करोगे कि तुम नमाज भी पढ़ते रहो, अल्लाह अल्लाह होती रहे, उस वक्त जबान कहेगी कह दे अल्लाह एक है, दिल कहेगा अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह समद अल्लाह ही अल्लाह। जबान जिक्र मुफस्सल में और दिल जिक्र मजम्मल। जबान दलील से मना रही है कह दे अल्लाह एक है, दिल बगैर दलील के मान रहा है अल्लाह ही अल्लाह। अब जो जबान में वो दिल में, अब जो जबान में ना वो दिल में ना। जबान का तसरफ है, यहां से बोलते हो अमरीका, ये जबान का तसरफ है, और इस दिल का तसरफ है, यहां गूंजता तो अर्शे मौला वाले सुनते हैं। तुम्हारी नमाज को ये दिल अर्शे मौला में पहुंचाएगा ना, वो नमाज मोमन का मेराज है ना। इसके बाद में वली की नमाज है, उसको नमाज इश्क बोलते हैं ना। तुम्हारी आवाज जाती है अर्शे मौला में, ये तुम्हारी नमाज टेलीफोन की तरह अर्शे मौला में जाती है, तुम नहीं जाते, वली के अंदर वहां जाता है ना अर्शे मौला में। वो अंदर की जो मखलूकें हैं वो अर्शे मौला में जाती है ना। तो फिर तो वो उस वक्त सारी नहीं उठाती हैं जब तक अल्लाह आगे से जवाब ना दे। भाई तुम जब कहते हो सुबह रबी अल्लाह तीन दफा कहते हो ना, पता है जवाब तो नहीं आएगा ना, सर उठाओ। वो तो कहते रहते हैं सुभान रब्बी अल्लाह सुभान, जब तक जवाब ना आए लब्बैक या अब्दी, वो सारी नहीं उठाते। तो अगर एक दफे अल्लाह कह दे सारी उम्र में, एक दफे अल्लाह कह दे लब्बैक मैंने तुझे कबूल किया, वो सारी कुफारा हो गया ना। तो हम कहते हैं कि हर इंसान में ये चीजें मौजूद हैं, जितने भी यहाँ तुम बैठे हुए, अगर कोई सिख है हिंदू है उसमें भी ये चीजें मौजूद है ना। हिंदुओं ने क्या किया कि उस अपने नारी इलम के जरिए इनको नार पहुंचाई, नारी इलम के जरिए इनको ताकतवर किया, ताकतवर होकर ये जादूगर बन गए, शैतानों के साथ मिल गए। मुसलमानों ने क्या किया कि नूर के जरिए इनको ताकत पहुंचाई, नूर के जरिए ये ताकत पकड़ी, जिस्म से बाहर निकली। ये जो तुम्हारा जिस्म है ये नकल है। अब ये जिस्म नमाज क्यों पढ़ता है जब नकल है, तो जब इस जिस्म का तल्लक ऊपर से नहीं है भाई, वहां तो दूसरे जिस्म मिलेंगे ना, बेशक अजाब साहब इस जिस्म को तो नहीं होगा ना, ये तो यही खत्म हो जाएगा। तो फिर ये नमाज क्यों पढ़ता है, इसको भी क्या जरूरत है जिस्म को, ये नहीं पढ़ता, ये जो इसके अंदर चिपटी हुई है रूह है वो पढ़ती है इसके जरिए। नहीं समझे, ये जो अंदर रूह है जो असल है, ये उनको रुकू सुजूद कराता है ना ये जिस्म।
इसको जरूरत कोनी है, दिल सड़ जाएगा। हाँ ये तो यही रह जाएगा ना, असल तो अंदर नू है ना। आपने उन्हीं को रुकू सजू कराई, स्वाब उनको मिलता है ना, स्वाब उनको मिलेगा ना इस इसके जरिए। अगर वो रूहें तुम्हारी ताकतवर हो जाए तो ये जिस्म सोता तो सोने दो, वो जिस्म सोता रहता है तो वो उधर जाके अल्लाह का दीदार करती रहती है। वो सोते रहता है उधर नमाजें पढ़ती रहती हैं। अगर सोते में नमाजें पढ़ती रहती हैं, दीदार करती रहती हैं, तो वो मर भी जाएगा तो अभी वो दीदार करती रही, नमाजें पढ़ती रहेंगी ना। गौस पाक के एक वक्त में नौ आदमी ने दावत पकड़ी, सुना हुआ नौ के घर जाके खाना खाया। जिस्म तो नौ नहीं हो सकते, कुछ लोग आपको पकड़ते हैं कि नौ जिस्म कैसे हो गए, नहीं जिस्म एक ही था और जिस्म के अंदर की चीजें थी, उन्होंने इन चीजों को अपनी जिंदगी में ताकतवर बना लिया था। जब ये ताकतवर हो जाती है ना तो जो काम जिन और फरिश्ता करता ये काम ये भी कर सकती हैं। अब गौस पाक का जिस्म मुबारक मस्जिद में मुअज्जिन के पास और वो जिस्म की चीजें उधर जाके खाना खा रही थी। भाई अगर खाना खाया होगा, उठी भी होंगी, बैठी भी होंगी, बातें भी करी होंगी ना, तो जिसमें उठने बैठने बातों की ताकत है तो नमाज में फिर यही कुछ है। हो सकता है उनकी नमाज खाना काबा में होती है। वो जो नौ चीजें थी, वो जो कहते हैं कि दरवेश की नमाज अर्शे मौला में होती है, सुना होगा ना। हमारे उलमा बड़े परेशान होते हैं, तो मैं तो दीवार से ऊपर नहीं चढ़ सकता, ये अर्शे मौला में कैसे पहुंच जाता है। कहते हैं ना ये जिस्म अर्शे मौला में नहीं जाता, वो जिस्म के अंदर की चीजें अर्शे मौला में जाती है ना। अब गौस पाक का जिस्म मुबारक मस्जिद में था तो आजाद थी, वही जिस्म मुबारक कब्र में चला गया तब भी तो आजाद ही है ना। तो आज तक अर्शे मौला में नमाज ही पढ़ रही है ना और लोगों को फैज पहुंचा रही है ना। ये चीजें तुम्हारे अंदर भी हैं, अगर उनको तुम खुराक दे दो तो। अब तो मैं नहीं पता किस जगह है, जिस तरह ये बहुत से कमरे हैं तो फिर आवाज देना पड़ता ना किसी को भी, दोस्त है जहाँ है वो बोलेगा ना मैं इस जगह हूँ। ये जो अल्लाह के सर पे लगाते हैं अल्लाह अल्लाह, उनको आवाज देते हैं ना, फिर वो जहाँ होती है बोल उठती है यहाँ से अल्लाह, ये कहती है यहाँ से अल्लाह अल्लाह, वो पता चल जाए मेरे अंदर से चीजें बोलना शुरू हो गई। ये अल्लाह के सर में उनको बुलवाने के लिए। अब लोग कहते हैं शोर मचाते हैं, शोर नहीं मचाते हैं ये, उनको जरबे लगाते हैं, उनको धिक्के देते हैं, उनको आवाजें देते हैं, कहो तो वो बोलते हैं। अब तुम्हारे में सात एक हैं, नौ एक हैं, सोलह मखलूक हैं, क्या खबर सोलह में से कोई एक ही मखलूक अल्लाह को कबूल कर ले। सोलह में से कोई एक ही मखलूक अल्लाह को कबूल कर ले, अगर एक ने भी कबूल कर लिया अल्लाह अल्लाह को तो क़यामत तक अल्लाह अल्लाह करती रहेगी ना, तो सवाब तो तुमको मिलता ही रहेगा ना। अगर तुम्हारी रूह अल्लाह अल्लाह में ना लगे, कोई दूसरी मखलूक अल्लाह अल्लाह में लग जाए तो सवाब तो उसी रूह को मिलना है ना। ये इल्म रूहानियत है, ये पहले मुसलमानों में यही इल्म था, फिर जब ये इल्म रूहानियत चला गया तो टेलीफोन जब खराब हो गए, तो जब टेलीफोन खराब हो गए जो अल्लाह और बंदों के दरमियान थे, तो फिर शैतान आके बैठ गया। अब शैतान तुम्हारी नमाज को ऊपर नहीं जाने देता है, यकीन करो जिधर ख्याल होता है उधर नमाज होती है ना, और तारे टेलीफोन की कट गई हैं ना। अब तुम चाहते भी हो मैं नमाज पढ़ूं, मैं अल्लाह को भेजूं, लेकिन वो जो शैतान बैठा वो तो नहीं जाने देता। तुम नमाज पढ़ते हो कुल वल्लाह अहद, वो शैतान तुम्हारा ध्यान देख लेता और दुकान में क्या हो रहा होगा, ये कहते हैं ना। फिर तुम ध्यान देते हो अल्लाह की तरफ, वो कहता है नहीं ओ बीवी बीमार होगी उसके लिए दवाई लानी है, यानी वो तुम्हारी नमाज के ऊपर जाने नहीं देता, तो शैतान भी बैठा हुआ है। अब वो शैतान कैसे निकलेगा, पहले तो शैतान, पहले तो एक शैतान को पाक करना है और दूसरे शैतान को जो निकालना, नफ्स को पाक करना है इसको निकालना। अब आप जिक्र की महफिल में बैठे, अल्लाह करे आपको वसवसा नहीं आएगा, मस्ती आएगी। ये भी अल्लाह की याद है, नमाज भी अल्लाह की याद है, फिर क्यों इसमें मस्ती क्यों आती है, उसमें वसवसे क्यों आते हैं।
जिस तरह कौवा तीर से भागता है इसी तरह शैतान अल्लाह से भागता है। जब अल्लाह करते हैं ना तो शैतान इससे भागता है, लेकिन फिर जब अल्लाह छोड़ते हैं तो फिर मुड़ के आ जाता है। अगर तुम्हारे अंदर ही हल्का शुरू हो जाए तो वो तुम्हारे अंदर की मखलूकें अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दें तो फिर यही मस्जिद तो यही काबा यही गुले गुलजार जन्नत है। फिर ये अंदर ही तुम्हारी मस्जिद बन जाती है। लेकिन उसके लिए वो अल्लाह सीखना पड़ता है ना। अब जब मौलवी लोग हैं नमाज सिखाने के लिए तो फिर पीरों फकीरों को इनको अल्लाह ताला ने फिर क्यों भेजा है, इनका क्या काम है? अगर दोनों बरहक हैं तो फिर आपस में लड़ते क्यों? भाई आलम है, आपकी नज़रों में आलम भी सही है, वो कोई वली है तो वो भी सही है, अगर दोनों सही है तो आपस में लड़ते क्यों? लड़ते ही हैं कि आलम की ड्यूटी है इस मकान को बाहर से साफ करना, चिपका देना, तो वली की ड्यूटी है इसको अंदर से साफ करना। अगर मैं आना चाहता तो अंदर बैठूंगा ना, तो वो आलम लगा हुआ है, नहीं बाहर को साफ करो, खूब साफ करो, वो वली का तो अंदर को खूब साफ करो, वो ये लड़ाई है ना। तब तो फिर तुम्हें क्या करना है, तुम बाहर को भी साफ करो अंदर को भी साफ करो। जो आलम सिखाता है उसे भी सीखो नमाज रोजा, तो जो वली अंदर का सिखाता है वो भी सीखो, तुमको दोनों काम करने हैं ना। अगर आप सारी उम्र मकान बाहर से साफ करते रहें, जब कभी मेहमान आएगा तो वो अंदर का रुख करेगा ना। जब अल्लाह ने तुम्हें देखना चाहा ना तो तुम्हारी दाढ़ियों को नहीं देखेगा, मुच्छों को नहीं देखेगा, सजदों को नहीं देखेगा, वो तुम्हारे दिलों को देखेगा। अल्लाह को दिखाने के लिए ये दिल तुम्हें साफ करने पड़ेंगे, और दुनिया को दिखाने के लिए ये तुम्हें दाढ़ियां चमकानी पड़ेंगी। अब हमने दुनिया को भी राजी करना है, दुनिया में जो रहते हैं दुनिया को भी राजी करना है, और उधर भी जाना ना उसको भी राजी करना है। तो दुनिया के लिए शरीयत है और उधर के लिए तरीकत है। तो इसके लिए ये है कि वो जिक्र का तरीका बताते हैं, करो। अब तुम दोजख में जाओ जन्नत में जाओ, हमें क्या है, हमें इनको परवाह नहीं है। कहीं भी जो हमें क्या, हम कोई तुम्हारे ठेकेदार तो नहीं ना हो, अगर होगी परवाह तो नबी को होगी ना, जिसकी उम्मत हो नबी के लिए वलियों के लिए कहा, इसको कोई खौफ और गम नहीं। वलियों नबियों को नहीं कहा, नबियों को उम्मत कहा है। तो वलियों को किसी की क्या परवाह, कोई जन्नत में जाए दोजख में जाए। वली तो इस तरह होते हैं, इंसान और अल्लाह के दरमियान एजेंट होते हैं। एजेंट क्यों होता है, वो इधर भी बातें करता है गाड़ी देने वाले से भी, तो जो बेचने वाले से भी, जिस गाड़ी उससे भी, दोनों को कायल करता है ना। कायल करता तो उसका फायदा क्या होता है, उसको कमीशन मिलता यही फायदा ना, और तो कोई नहीं ना। वो दोनों को घसीटता है, तो वली वो क्या होता है कि वो इसको भी कायल करते हैं, फिर रब को भी मनवाते हैं। पहले इसको तैयार करेंगे, फिर रब को बनवाएंगे, तो फिर जब ये अल्लाह अल्लाह करेगा फिर वली क्या होगा, इसकी अल्लाह अल्लाह का उसको भी कमीशन मिलेगा ना। वलियों को फिर ये लालच होती है, जैसे एजेंट को लालच है। वरना कोई दोस्त में या बहशत में जाए उनको क्या पता है। अब ये तरीका तुमको सिखाते हैं, ये हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन क्या खबर किसके लिए, किसको अल्लाह चाह ले। जिसको तो अल्लाह चाह ले पे तो जान भी जाती है, जाने दे इसको ना छोड़े, क्योंकि जान को तो फिर वैसे जाना तो है ही एक दिन। अगर कोशिश के बावजूद तुम्हारे अंदर अल्लाह नहीं होता, चलो ये तो कहोगे ना अल्लाह मैंने भी किया था लेकिन मेरी किस्मत में तूने लिखा ही नहीं था, मैं क्या करता, ये तो जवाब दे सकोगे ना। ये तो नहीं कहोगे मैंने किया ही नहीं था, किया था हासिल नहीं हुआ, मैंने तो मैंने भी करी थी। तो वैसे मेरा तो ईमान है तो आज का अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान, यानी यकीन करो जिक्र कल्ब के लिए पूरी शरीयत को नापते हैं वली। नमाजें पढ़ता है, रिज़्क़ हलाल खाता है, फिर जाके कहीं 10-12 साल में उसको जिक्र कल्ब अता होता है। सख्त शर्त है,
آج کل اللہ نے کوئی شرط ہی نہیں رکھی, کہتا ہے شراب پیتا تو پینے دے نا, اور نماز نہیں پڑھتا تو نہ صحیح, اور داڑھی نہیں ہے تو نہ صحیح, آرام کھاتا کھانے دینا, ذکر کلب دے دو اس کو. کہتا ہے تو تو اس کے حال کو دیکھ رہا ہے نا, تو میری نظر اس کے مستقبل کے اوپر ہے نا. شراب پیتا ہے تجھے پتا بھی ہے شراب پیتا پینے دے, اس کو بہت اللہ اللہ کر دل سے, طریقہ اس کو سکھا دے, بعد اللہ اللہ کرتا رہے گا نا تو پھر شراب چھوٹ دی جائے گی نا, تو جب اللہ اس کے اندر چلا گیا تو شراب باہر چلے گی. کتنا بھی بڑا گناہ ہے وہ گناہ گار ہے, جب اللہ اللہ نہ لگے نا گانا تو اس کے گناہ خود بخود ہی کم ہونا شروع ہو جائیں گے نا. ایک آدمی تھا تو بہت سخت شرابی تھا, بچپن سے شراب, تو پانی کی طرح وہ شراب پیتا. تو ایک دن اس نے کتاب پڑھ لی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, اس میں بہت ڈرایا گیا اس کتاب میں. تو وہ ایک مولوی صاحب کے پاس گیا کہ مجھے نماز سکھا. اس نے کہا پہلے شراب چھوڑ. کہنے شراب تو مجھ سے نہیں چھوٹتی ہے. اس نے قرآن مجید میں نماز کے نزدیک مت جاؤ اگر تم نشے میں ہو, اب تم نشے میں رہتا ہے اس وجہ سے نماز تو نہیں پڑھ سکتا. مجھ سے نماز شراب چھوٹتی نہیں, میں اب کیا کروں. بڑی کوشش کری اسے شراب چھوڑنے جی, لیکن نہیں چھوٹی. بچپن کا عادی تھا, وہ ہماری طرف آ گیا جی, ڈھونڈتا ڈھانڈتا ہوا. کہنے لگا میں نماز نہیں پڑھ سکتا, شراب کا عادی ہوں, میں اب کیا کروں, اور روتا رہتا ہوں اس اپنے عادت کے اوپر, کس طرح چھوٹے. میں نے اس کا تو ایسا کری اللہ کا ذکر کر کہ شراب بھی پیتا رہا ہوں, کہ شراب بھی پیتا رہا ہوں, اللہ بھی کرتا ہوں. اللہ جی کہنا یہ کیا تک ہے, تو اس تک کو چھوڑ کہ تم ذمہ دار ہو. پھر اس کے کہ ہاں ہم ذمہ دار ہیں. اس نے کیا کیا, کوئی پریکٹس بھی کرتا اللہ کی اور شراب بھی پیتا رہا. کوئی ایک مہینہ یا 20 دن گزرے, اس کی بیوی آئی, کہنے لگی اب جب شراب پیتا تو اس کو الٹی ہو جاتی ہے. جب اللہ اندر گیا نا تب شراب کیسے ٹھہرے پھر اندر, اب اس کو الٹی ہو جاتی ہے. پیتا ضرور ہے لیکن اب اس کو الٹی ہو جاتی ہے. 2-3 مہینے بعد آیا, چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی تھی, تو ہمارے ساتھ اس نے نماز پڑھی. اب وہ شرابی نہیں رہا, اب انجمن کا بہترین کارکن ہے. یہ جو گنہگاروں کے لیے دوائی ہے نا ٹیکا, وہ یہ ہے. اور اس میں اپنے آپ کی پہچان بھی ہو جاتی, میں کیا ہوں, آیا اللہ مجھ کو چاہتا بھی ہے یا نہیں. اگر تجھ کو اللہ چاہے گا تیرے اندر اللہ شروع ہو جائے گی نا, اگر تجھ کو وہ نہیں چاہے گا تو کوشش بے شمار کوشش کر, تیرے اندر اللہ نہیں جائے گا. کیونکہ جس کے اندر اللہ شروع ہو جائے گی وہ تو اللہ کا ہو گیا نا. اور اس کا طریقہ ہے کہ روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ کے اوپر اللہ لکھو. تھوڑے دن لکھو گے تو وہ اللہ آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا. وہ لفظ آنکھوں سے پھر اس کو دل کے اوپر اتارو, پھر آنکھوں سے سیدھا دل کے اوپر چلا جائے گا. پولیس کی مور, پولیس والا, اللہ لکھا گیا اللہ والا. پھر جب دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی ٹک ٹک, اس ٹک ٹک کے ساتھ پھر اللہ ہو ملا, ایک کے ساتھ اللہ, ایک کے ساتھ ہو, اس اللہ ہو کی رگڑ سے کالا سا پھر وہ سفید ہو جائے گا. پھر ایک دن وہ اللہ سورج کی طرح چمک رہا ہوگا, پھر بے خوف ہو جانا, قبر سے بھی بے خوف ہو جانا. رات کو سونے لگو, انگلی قلم خیال کرو, تصور سے اللہ لکھتے لکھتے سو جاؤ, اسی میں نیند آ جائے. صبح اٹھو, وضو ہے یا نہیں پرواہ نہیں, آفس میں جا رہے ہو کہیں بھی جا رہے ہو, ذکر خفی کرتے رہو. جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں, جب دل کی دھڑکن سے ملتا اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں. یہ تمہارا طریقت میں پہلا قدم ہے, کیونکہ طریقت کا تعلق اس دل سے ہے. پھر جب یہاں اللہ اللہ, پھر اللہ اللہ کا جب نور بنتا ہے تو اللہ تک پہنچتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں, وہ کرتے کرتے اللہ 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 کرتے کرتے وہ نظر آیا مجھے, تو نظر آیا مجھے. پھر اللہ اللہ کرتے کرتے جب اللہ تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ حقیقت ہے نا, حقیقت کا تعلق ان نظروں سے ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی مرتبہ عنایت کرتا ہے تو پھر وہ معرفت ہے نا. یہ 4 علم ہیں, شریعت, طریقت, حقیقت, معرفت. تو ایک ہی علم ہے, سب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے. بھائی تم صرف شریعت میں سب کچھ پانے کی کوشش کر رہے ہو نا, جبکہ اس سے آگے بھی علم ہے, وہ تم کو آتے ہی نہیں ہے. تم کو آئیں تاکہ تم آگے ترقی کر سکو نا.
आप अगर जिक्र से गर्मी आए, ये गर्म भी है, अगर इससे गर्मी लगे दूसरी पढ़ो, थोड़े दूसरी पढ़ोगे उसको ठंडा करो। लोग कहते हैं सख्त जलाली है, इस वजह से लोग इससे डरते हैं। आग है, जलाती है ना, लोग डरते हैं ना, इसके बगैर गुजारा भी कौन है, हर घर में जलती है ना। लेकिन जब हांडी को जलाने को होती है तो पानी का छिट्टा मारते हैं। इसी तरह ये सीना भी गर्मी के बगैर नहीं पकता। जब इसमें अल्लाह हुई गर्मी ज्यादा लगे, पहले तो उसको बर्दाश्त करो, देखो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा तो दूसरी पढ़ो, उसको ठंडा करो। ये तरीका है इसका। बाकी नमाज रोजा वो जो तुम्हारा फिरका है बस ठीक है, जिस फिरके में लगे वो पढ़ते रहो। ये एक अजाफी तालीम है, उससे आपको रब को नहीं पहचान सकते, बल्कि उस शरीयत से आप हुजूर पाक को भी नहीं पहचान सकते। शरीयत वाले कोई कहते हैं गए खत्म हो गए, कोई कहता है इसने भी सुना उसने भी सुना ना, लेकिन जब ये तुम्हारे रूह में निकलेंगी तो ये जाके खुद ही देखाएंगी, ये जाके तो उनके कदमों में पहुंचेंगे, फिर ये कैसे कहेंगे वो खत्म हो गए। उस हकीकत का मंजिल है इन अंदर की चीजों से। इसमें तुम्हारा कोई भी फिरका है इससे मतलब नहीं है, मकसद ये है कि ये चीजें उधर पहुंच जाए जहां असल है, तो फिर जिधर असल होगा उधर तुम हो जाओगे। तो इसके लिए अगर चाहो तो जिक्र ले लो और अपनी किस्मत आजमाओ। जिनको जिक्र लेना है आंखें बंद करें ना, और दिल ही दिल में पढ़े, वहीं बैठे रहें, दिल ही दिल में पढ़े अल्लाह 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 अल्लाह। बस जी आप सोचते होंगे ये इजाजत क्या है, आप इसके बगैर भी आप अल्लाह लगा सकते हैं, लेकिन इजाजत इस तरह है कि जिस तरह आपको लाइसेंस मिल गया गाड़ी आप ऐसे भी चला सकते हैं, लाइसेंस के बगैर, लेकिन जब पकड़े गए तो फिर ये एक लाइसेंस है। ये जो बातें जिन भूत है ना शैतान हो, ये उनके लिए लाइसेंस है ना। हाँ, ये तुम्हारे पास लाइसेंस हो गया, अब जब जी चाहे लाइसेंस पास आकर रख लो, जब जी चाहे इसको इस्तेमाल कर लेना, लाइसेंस दोगे ना, अब तुम्हें इजाजत मिल गई, जब तुम्हारा जी चाह ये प्रैक्टिस कर लेना। तो बाद लोग कहते हैं कि अभी हमारा वक्त नहीं है, अभी हम जवान हैं, बुढ़े हो जाएंगे तो कर लेंगे, लेकिन ये मिलते ही जवानी में ना, दर जवानी तौबा कर दो शिवाय पैगंबरी है ना। जिन लोगों ने जवानी में अल्लाह ला करी ना, वो ही अल्लाह को पा सके ना, तो बुढ़ापे में तो जालम भेड़िया भी परहेजगार हो जाता है ना, तो बुढ़ा होगा वो क्या करेगा। अल्लाह ताला फरमाता है मुझे, मैं जिनको पसंद कर लेता हूँ मैं उसकी कुर्बानी फिर चाहता हूँ, जिसको पसंद करता हूँ मैं उसकी कुर्बानी चाहता हूँ। आम आदमी जो कुर्बानी दे बकरे की कुर्बानी दे, बकरा भी ऐसा हो जवान हो बुढ़ा ना हो, कोई राय बनाओ तब उसकी कुर्बानी कबूल करता हूँ, और जिस इंसान को मैं चाहता हूँ उसकी कुर्बानी लेता हूँ तो वो भी जवान हो, उसमें गुनाह करने की ताकत हो मेरे लिए छोड़ दे, उसके पास याशी करने के लिए पैसा हो मेरे लिए छोड़ दे। फिर क्या फरमाता है, फिर मैं उसको ज़बह करता हूँ। जब वो बकरे को ज़बह किया जाता है तो उसका मैं सिला क्या देता हूँ, जो उसका खून निकलना शुरू हो जाता है उसके गुनाह माफ करना शुरू कर देता हूँ, और इसका सिला मैं क्या देता हूँ, जब इस बंदे को मैं ज़बह करता हूँ फिर इसका सिला मैं क्या देता हूँ, इसका सिला मैं ये देता हूँ, फिर मैं इसका ही हो जाता हूँ। इस वजह से जिन लोगों ने जवानी में तौबा करी वही सेवा पैगंबरी है, और जिस दिल में 24 घंटे अल्लाह ला शुरू हो जाए, कोई भी चीज दिल में आ जाए उससे मोहब्बत हो जाती है। जब दिल में अल्लाह आ गया तो अल्लाह से मोहब्बत होगी ना, जब तुम्हारे दिल में अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी तो दिल को दिल से राय अल्लाह को तुम्हारे से मोहब्बत हो जाएगी ना। तो अगर अल्लाह को तुम्हारे से मोहब्बत हो जाएगी, फिर अल्लाह एक दिन उसको देखता है जिससे मोहब्बत करता है,
सरसरी नजर से नहीं देखता, बड़े प्यार से देखता है। फिर जिस दिन अल्लाह ने देख लिया फिर मोहब्बत खत्म होगी, फिर ये इश्क का मकाम है, और फिर मैं तेरा और तू मेरा। ये बंदा जो है ना ये यहाँ तक पहुंच सकता है, लेकिन इस जिस्म से नहीं, वो जिस्म के अंदर की जो मखलूक है उनके जरिए पहुंच सकता है ना। और हमारे मुसलमान इसको बहुत कम मानते हैं जी, रूहानियत को। सन 65 में सिख ने तस्दीक करी इसकी, वो कहते थे कि हम जहाज चढ़ाया कोई नहीं हमारे साथ, आगे देखे एक बंदा बैठा हुआ, कहता चुप करके यहाँ उतर जा, कुछ नहीं कहा कि हम सखर आए, बम मारा नीचे एक आदमी था उसने अपने हाथों में ले लिया। आया था ना संग पैसे की, बिल्कुल वो उनके जिस्म नहीं थे, उनकी यही चीजें थी ना, ये उनकी अंदर की चीजें थी जो आज तक लोगों को फैज पहुंचा रही। दरबारों में क्या फैज है, रूह तो उनके भी ऊपर है ना। ये जो मखलूकें हैं ना ये दरबारों में बैठी हैं, लोगों को फैज पहुंचा रही हैं ना। और ये मखलूक ऐसी है, अल्लाह ताला फरमाता है मेरी एक मखलूक है जिसको मेरे सिवा कोई नहीं जानता, और जिसके अंदर ये तुझे को पता तेरे अंदर क्या, कोई नहीं पता ना। अल्लाह ताला फरमाता है मेरे सिवा इसको कोई नहीं जानता। जब ये मखलूक बाहर निकलती है, नूरी परवरिश पाती है, न नूरी हाथों से दुआ मांगती है, तो अल्लाह ताला वो दुआ कबूल फरमा देता है। अब ये है कि ये इल्मे रूहानियत है। अब ये किसी मदरसे में बच्चे को दाखिल कर दो, अगर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुल ज़हनी से वो अलबे तो सीख ही लेगा ना। इसी तरह अगर तुम कुछ भी नहीं नाकारा सी हो, अल्लाह ला तो सीख ही लोगे ना, वो तो बोलते अल्लाह ला में तो लग ही जाएगा ना, यही काफी है ना। इसके लिए जो मैंने बातें करी, अगर किसी की समझ में ना आई हो तो दोबारा पूछ लें, क्योंकि तो मेरे सामने कोई फिरका बंदी नहीं है, कोई मजहब की तफरीक नहीं है। बस जब तुम्हारे अंदर अल्लाह चला गया तो जिधर अल्लाह उधर तो बात ही खत्म होगी ना जी, मज़ फिर के बाद ही खत्म होगी ना। किसी साथी के ज़हन में कोई सवाल हो सरकार ने गुस्तु को फरमाइए, मजीद कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते। गैर मुस्लिमों को भी लाया जा सकता है, अल्लाह उनका भी गैर मुस्लिम को। मकसद है वो आते हैं इसी तरीके से आते हैं, आप लोग कहें कलमा पढ़ कभी नहीं पड़ेगा, आप लोगों का अल्लाह का करना शुरू कर देगा, फिर जो ही अल्लाह करेगा ना तो अल्लाह की तासीर उसमें आएगी ना, तो फिर वो खुदा भी नहीं तो जुदा भी नहीं। अगर अल्लाह मिल गया तो फिर हुजूर पाक को जुदा थोड़ी है, फिर हुजूर पाक के भी कब्जे में आ गया। इसमें कोई है सिख है ईसाई है यहूदी है कोई भी है, बस को अल्लाह में लगा लो, बस ये तुम्हारा काम है, उसको अल्लाह आगे अल्लाह का काम है, उनमें से जिसको चुनना चाहेगा चुन ले। सिखों से मुसलमान नहीं हुए, हिंदुओं से मुसलमान नहीं हुए, पर जिनको वो चुनते हैं हो जाते। आप तुम दलील से कायल नहीं कर सकते उनको, दलील से कायल नहीं कर सकते तुमको, बस यही है कि उनके अंदर अल्लाह चला जाए तो सारे एक हो जाए, और कोई तरीका ही नहीं रहा है। आप मुसलमान भी कुत्तों में नो सिखो क्या कहते हो, मुसलमानों को भी देखो ना, ऊपर से तोते हैं ना, अंदर से जैसा हिंदू है ऐसा ये भाई, जो काम हिंदू कर रहा है वो काम ये कर रहा है, यही है ना, उसका भी अंदर काला इसका भी अंदर काला, सिर्फ जबान की फर्क है ना। तो अल्लाह जबान को नहीं देखता ना, वो दिल को देखता है, और दिल उसका भी काला दिल इसका भी काला, अल्लाह की नजरों में दोनों बराबर ही है ना, सिर्फ जबान का फर्क है। वो
اللہ کو ہندو بھی مانتا سکھ بھی عیسائی بھی سارے مذہب اللہ کو مانتے ضرور ہیں. اب صرف یہ ہے کہ اگر آپ ان کو کہیں گے بھی نا اللہ اللہ کرو تو دوائی آپ بتا دیں گے نا کہ یہ دوائی تاثیر رکھتی ہے, دوائی تو نہیں دے سکیں گے نا, اس دوائی کے لیے ان کو ادھر لانا پڑے گا نا, ہم دوائی ان کے اندر بھریں گے نا تو پھر ان کا دل اللہ کرے گا نا, زبانی کہنے سے نہیں کرے گا نا. یہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے انہی کے ذریعے دوسروں کا دل اللہ کرتے ہیں نا, جن کو اجازت نہیں ہوتی ہے تو وہ بھلے کہتے رہے کبھی بھی اللہ کسی کا نہیں ہوگا. ایک جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جس کو چاہوں ہدایت دوں جس کو چاہوں گمراہ کروں, ہے نا. آدمی کئی نے سوال کیا ہے کہ ہم جب خود نماز جب چاہیں چھوڑ دیں جب چاہیں پڑھ لیں تو اللہ نے یہ کیا کہا کہ میں جس کو چاہوں ہدایت دوں جس کو چاہوں گمراہ کروں؟ یہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی. ہدایت کا تعلق نمازوں سے نہیں ہے, اگر نمازوں میں ہدایت ہوتی تو سارے نماز ایک نہ ہوتے. ہدایت کا تعلق داڑھیوں سے بھی نہیں ہے, ہدایت کا تعلق دلوں سے ہے. اگر اللہ نے تم کو ہدایت دی تو تمہارا دل اللہ میں لگ جائے گا, اگر اس نے تم کو ہدایت دینا نہیں چاہیے تو تمہارا دل کبھی بھی اللہ نہیں کر سکے گا, کیونکہ ہدایت کا تعلق ہی دل سے اور اللہ کا تعلق بھی دل سے. یہ جو ہماری تعلیم ہے اس میں ہمارے علماء جو ہیں نا اس کے تھوڑے سے مخالف ہیں. مخالفت کی وجہ ہے ان کا پرچار یہی ہے کہ شریعت طریقت حقیقت معرفت یہ سب ایک ہی چیز ہے, جی سمجھے. وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ایک ہی ہے, ہم کہتے ہیں ایک نہیں ہے یہ جدا جدا ہے. جب ہم کہتے ہیں جدا جدا ہے تو ان کے علم کی نفی ہوتی ہے, جب علم کی نفی ہوتی ہے تو ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اس کا اظہار کرنا ضروری ہو, ہم کو اکیلے ملتے ہیں اکیلے میں کہتے ہیں کہ یہ خاصوں میں بات ہوتی ہے, عاموں میں بات کیوں کرتے ہیں تم اس کی؟ کہ اگر طریقت حقیقت کی بات کرنی تو خاصوں میں کرو نا, عام میں کیوں کرتے ہو؟ اب ہم کو عام میں اس وجہ سے کرنی پڑتی ہے. ہم ناروے میں گئے تو وہاں ایک لکھا ہوا کہ اس کے آگے دنیا ہی کونی ہے. اگر کوئی شہر والا آدمی ہو وہاں پہنچ جائے دیکھے گا اس کے آگے دنیا نہیں تو آگے کیوں جائے گا؟ وقت ضائع کرے گا نا. جب ان کو بتایا کہ شریعت آگے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ شریعت میں ہی لگے رہیں گے نا, آگے یہ بھی نہیں جائیں گے نا. بھائی آگے یہ بھی نہیں جائیں گے, سب کچھ شریعت میں, ہم نے شریعت پوری کر لی ہے بس. لیکن جب ان کو بتایا جائے گا کہ شریعت کا تعلق اس زبان سے ہے, طریقت کا تعلق اس دل سے ہے اور حقیقت کا تعلق ان نظروں سے ہے, جب ان کو بتایا جائے گا تو پھر یہ آگے بڑھیں گے نا, ورنہ وہ شریعت میں لگے رہیں گے نا. تو شریعت میں لگے رہے, اس نے کہا میں نے شریعت پوری کر لی, حضور پاک جیسا ہو گیا. کہا نا انہوں نے, انہوں نے کہا نا جنہوں نے شریعتیں پوری کری. اگر ان کو پتا ہوتا اور بھی مقام ابھی پورے کرنے ہیں تو کیوں کہتا کہ میں حضور پاک جیسا ہو گیا؟ میں حضور پاک جیسا ہو گیا, بس شریعت میں نے پوری اپنا لی, بس ساری سنتیں ادا کر لی, ان جیسا ہو گیا. اس کو پتہ ہی نہیں نا اور آگے بھی منزل ہے نا. تب علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور. اب تمہیں پتہ ہوگا دل اللہ اللہ کرتا ہے, طریقت یہ ہے, تو کسی دل والے کے پاس جاؤ گے نا, اگر پتہ ہی نہیں پھر دو نفر پڑھ کے کہو بس میں نے کافی کچھ کر لیا. اور بات جو عربی لوگ ہیں جب کوئی عربی مر جاتا ہے یا اخبار میں لکھ دیتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جا, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا لکھتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جا؟ عربی لوگ زیادہ لکھتے ہیں. میرے مطلب ہے وہ اپنے آپ کو جو نا ولی سمجھتے ہیں نا. یہ نفس مطمئنہ تو اس وقت ہوتا ہے نا جب وہ پاک ہو جائے, تو وہ تو حقیقت معرفت میں جا کے, انہوں حقیقت معرفت کو جانتے بھی نہیں ہے. نفس مطمئن کیسا ہوگا؟ نفس پاس پاک کیسے ہوگا؟ جب نفس پاک ہو جاتا ہے نا پھر اللہ کی طرف جاتا ہے نا. تو ان میں یہ ہے, ان میں ایک آدمی ہمیں ملا تھا, وہ کہنا اما ضرور پاک کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں, تو تم لوگوں کو ہم کیا سمجھیں؟
جب حضور پاک کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہیں بڑے بھائی کی طرح تو تم لوگوں ہم کیا سمجھیں وہ جو بھی غیر مقلد ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو حضور پاک جیسے سمجھتا ہے جو بھی غیر جس کو بھی دیکھا غیر مقلد ہوا اپنے آپ کو حضور پاک جیسے سمجھتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ اب میرا نفس جو ہے نا وہ پاک ہو گیا ہے نفس اس طرح پاک نہیں ہوتے ہیں نفسوں کو پاک کرنا پڑتا ہے اور ایک بات امتی ہونے کی پہچان سکتا ہے امتی تو حدیث شریف میں کہ جس کے دل میں نور ہوگا وہ امتی ہوگا نا نہیں سمجھے پہلے سنی شیعہ نہیں ہوتے تھے سارے امتی ہوتے تھے سب کے دلوں میں نور ہوتا تھا جب نور نکلتا گیا نا جب نور نکلا اس کو کہا خوارج آپ کے زمانے میں جن میں سے اس کو کہا خوارج اور اس زمانے میں جس میں نور نکلا نا تو وہ کیا کہ میں سنی ہو گیا تو میں شیعہ ہو گیا تو میں وہابی ہو گیا یہ نور نکلا تب ہوئے نا اب تمہارے میں دوبارہ نور ہو جائے نہیں کہو گے میں سننا ہوں سنی ہوں تو میں شیعہ ہوں یہی کہو گے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ اگر امتی ہے تو پھر سنی شیعہ کیوں ہے اس کا مطلب امتی نہیں ہے تب سنی شیعہ ہے نا ثبوت ہے اس کا وہ خود کہتا ہے میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں اس کا مطلب امت سے نکل آیا تب کہتا ہے نا یہ سنی بھی فرقہ ہے شیعہ بھی فرقہ ہے اصل چیز امتی ہے اور امتی وہ ہے جس میں اللہ کا نور ہوگا وہ امتی ہے بلکہ ایک حدیث شریف میں بھی ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی کہ جس کے اندر نور ہوگا ہر نبی کی امت میں نور ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت یا رحمانوں کا صفاتی نور عیسیٰ علیہ السلام کی امت یا قدوسوں کا حضور پاک کی امت میں اللہ تو یہاں پہچان ہوگی یہ یا رحمانوں والے موسیٰ علیہ السلام کے اور یہ اللہ والے یہ حضور پاک کی امتی ہیں تو ان کی شفاعت ہوگی جو امتی ہیں نا تو جو امتوں سے نکل گئے سنی شیعہ وہابی بن گئے تو ان کی کیا شفاعت ہوگی وہ تو خود ہی نکل گئے بلکہ خود ہی اقرار کر رہے ہیں نہ سنی شیعہ وہابی اقرار کر رہے ہیں نا بھائی کیوں نہیں کہتا میں امتی ہوں اگر سنی بھی کہے میں امتی ہوں شیعہ بھی کہے میں امتی ہوں تو بات ہی ختم ہو جائے نا تو ہمارے علماء مجھ سے چیڑتے ہیں کہتے ہیں اس کا پتہ نہیں چلتا پتہ سنی ہے یا شیعہ ہے یا وہابی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بس اصل چیز امتی ہے یا اس کا انکار کرو کہ امتی ہوتا ہی نہیں ہے اگر امتی ہوتا ہے تو حضور پاک کے زمانے میں امتی تھا تو تم بھی امتی بن ہی جاؤ جب امتی بن جاؤ گے تو فرقے ختم ہو جائیں گے نا دلوں میں آواز آئی تو امتی ہو گیا اللہ ہو آواز آئے نہ نور چلا جائے بس اور نور کتنے طریقے ہیں حضور پاک جن کو نور دیتے تھے نا کئی طریقے تھے بس کسی کو نگاہوں ڈالی نوری نگاہیں ڈالی اس کے اندر نور چلا گیا امتی ہو گیا کسی کو اللہ تعالیٰ میں لگا دیا وہ اللہ تعالیٰ کرتا رہا اس کا نور بنا امتی ہو گیا مقصد نور سے ہے یہ سمجھے خواہ نور آپ کو کس طریقے سے بھی حاصل ہو جائے نور حاصل ہو گیا آپ امتی ہو گیا بس اگر آپ اللہ اللہ کرتے ہیں تو نور نہیں ہے تو امتی کو نہیں ہے نا بھائی آپ انگلی سے اللہ اللہ کر رہے ہیں زبان سے اللہ اللہ کر رہے ہیں اندر نور نہیں ہے امتی تو کو نہیں ہے نا پھر تو کیوں نہیں پتہ چلے گا جب تمہارے اندر نور جائے گا نہیں پتہ چلے گا جب تمہارے اندر نور چلا جائے گا تم نوریوں سے تمہاری نسبت ہو جائے گی یہ شیطانی کاموں سے تم کو خود بخود پرہیز ہو جائے گا خود ڈھونڈو گے آپ رزق کے حلال ڈھونڈو گے آپ غریب کو ستانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا جھوٹ بولنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا پھر نفس اندر سے آواز آئے گی کیا کرتا ہے پھر گناہ کرے گا اب بھی گناہ کرتا ہے پچھتاتا نہیں ہے پھر گناہ کرے گا پچھتائے گا جب یہ حالت پیدا ہو جائے گی تو اندر نور گیا تب بھی حالت پیدا ہوئی ہے نا
लेकिन कभी आवाज आती भी है फिर भी आदमी गुनाह कह जाता है। आती है आवाज कभी कभी ये आप ये काम नहीं करें अच्छा नहीं है, लेकिन इंसान फिर भी नहीं फिर ये करेगा ना। मैं कहता हूँ ना फिर अभी थोड़ा थोड़ा कुछ होगा ना, फिर जब ज्यादा आ जाएगा ना तो फिर करने नहीं देगा। अभी सगा जंग चल रही है, अभी जंग चलती है ना, अभी कुछ नस में जाना है कुछ कलम में जाना उनकी जंग चलती है। फिर जो जो नूर छा जाएगा नस के ऊपर भी छा जाएगा ना, तो नस कहेगा ये काम करे कहेगा क्यों करूँ। क्योंकि वो एक मखलूक है, ये मखलूकें जानवरों में नहीं है। अगर जानवरों में ये मखलूकें होती तो वो भी सोचते ना भाई जब हमने घास खाना है पानी पीना नहीं है तो जंगलों में भी है ना, तो इनकी गुलामी हम क्यों करें, सारे जंगलों में ना भाग जाए। उनको छोड़ भी देते फिर शाम को मुड़ घर में आ जाते, अकल नहीं है ना। अकल एक मखलूक है यहाँ जिससे तुम सोचते हो। अब जानवर अल्लाह नहीं कर सकता है, उसमें वो मखलूक नहीं है, तुम्हारे अंदर एक मखलूक है गोश्त के लोचड़े के साथ जो अल्लाह करती है। जानवर बोल नहीं सकता है जुबानें, जिस तरह तुम्हारी जुबान उसकी भी जुबान है ना, तो वो क्यों नहीं बोलता है। तुम्हारे अंदर यहाँ एक मखलूक है वो बोलती है इस गोश्त के लोथड़े के जरिए, उसमें वो मखलूक नहीं है। कि तुम्हारा सारा कमाल इन मखलूकों से। तो फिर वो जो मखलूक ये है इसको फरिश्ते ही बोलते हैं कलब की मखलूक को, यहाँ एक शैतान है इनकी आपस में जंग चलती है ना। फिर जो ताकतवर है उसकी बात तो मान लेते हो, फिर जब अल्लाह अल्लाह हो जाएगी तो अल्लाह अल्लाह के नूर से ये ताकतवर हो जाएगा ना कलब तुम्हारा, तब फिर वो उसकी बात नहीं मानेगा ना। अभी वो खुद उसके उससे बात मनवा लेता है। मौसम इंसान के अंदर पांच जगह, एक छह जगह सातवां नफ्स सब जगह जिक्र करने पड़ते हैं तब जाके पूरा इंसान बनता है ना। इंसान में बहुत सारी बुराई है ना, ईर्ष है हसद है बुखल है तकब्बुर है शहवत। अब तुम्हारे दिल ने अगर अल्लाह शुरू करी तो जो दिल के साथ मर्ज है वो खत्म होगा ना, दिल का तलक शहवत से है ना, नाजायज शहवत खत्म होगी ना। फिर तुम्हें रूह का जिक्र करना पड़ेगा ना, ये गुस्सा तुम्हारे गजब है ना ये रूह की वजह से है ना, फिर तुम्हारा गुस्सा गजब कम हो जाएगा ना। फिर तुम्हें यहाँ सिरी के करने इसके साथ इस असद है ना, फिर वो खत्म होगी। फिर इसके साथ हिर्स है, इसके साथ तकब्बर है, ये पांच सीने के जिक्र करोगे तो तब पूरी बुराई सीने से निकलेगी ना, वरना एक जिक्र कर रहे हो चार बुराइयां तो मौजूद है ना। फिर जब ये सारी बुराइयां निकलेंगी फिर दिमाग में एक जिक्र है कि या हू वो एक मखलूक है। देखो ना दिमाग में क्या ताकत है कि तुम हाफिज बन जाओ, वो एक मखलूक है ना हाँ, जो पूरा कुरान में हिफ्ज अपने अंदर रखती है वो मखलूक है। जब ये सीना पाक होता है तो फिर वो मखलूक उसका तलक इश्क से है ना, फिर वो अल्लाह की तरफ जाती है ना। उसके बाद फिर नफ्स है ये शैतानी चीज है, फिर ये जब पाक होती है तो फिर तुम भी पाक हो गए, फिर तुम उस वक्त फरिश्तों से अफजल हुए ना। नहीं फिर वो इस तरह होता है ना, जब तक तुमको वो मंजिल नहीं है ना, तुम्हारी शरीयत की मंजिल है ना। अब तुम्हारे जिस्म को हज करने के लिए जाना पड़ेगा ना, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर वो चीजें वो इलम सीख लो तो फिर सुल्तान साहब को किसी ने कहा आप हज पे क्यों नहीं जाते हैं, तो फरमाना आज मेरे पास ही आ जाता, वही इधर आ जाओ मैं उधर जाके क्या खाम खा थकूँ जाके। राबिया बसरी जब उन्होंने ये सीख लिया ना हाँ, तो उस हज को हुक्म हुआ जा जाकर उसका तवाफ कर, उस खाना काबा ने राबिया बसरी का तवाफ किया। इसी बात के ऊपर शाह मंसूर पे फतवा लगा था ना, वो कहते थे तू हज में क्यों जाता है, ये तो निकम्मे लोगों का काम है बुड्ढों का काम है, ये बेहतर है आज तेरे पास आए ना। इसी बात पे तो फतवा लगा था ना।
तो ये दूसरा इल्म है, अगर तुम्हारे अंदर हज हो गया, खाने काबा बस गया, तुम्हारे अंदर अल्लाह आ गया। उस खाने काबे को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया ना गारे मिट्टी से, इसको तो अल्लाह अपने नूर से बनाता है ना। फिर फजीलत किसको है? फिर मौलाना रूमी ने कहा कि ये दिल उस वक्त कहा कि हजार काबों से ये दिल अफजल है। नहीं, हजूर पाक वाज करने की क्या जरूरत थी? मतलब जरूरत क्या थी? अगर हजूर पाक ना जाते तो हम जाते, फिर कोई भी नहीं जाता। हजूर पाक तो दुनिया में आने से पहले भी नबी थे ना जी। आप जब नमाजें नहीं उतरी थी तब भी आप नबी थे ना, फिर आपको नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? आपने बीमारी की भी हालत में नमाज पढ़ी है, सख्त बीमारी की हालत में, इस वजह से कि कल इनको नजला जुकाम हो जाएगा तो कहेंगे हम भी बीमार है, छोड़ देंगे। सुनत बन जाएगी ना। उन्होंने जो कुछ किया ना तो उम्मत के लिए किया ना। वरना उनको जरूरत नहीं थी, उनको आज की भी जरूरत नहीं थी, आज वो खुद ही थे, वो काबे का काबा खुद थे। जब वो काबे राबे बसरी के पास आ सकता तो हजूर पाक के पास नहीं जा सकता था। वली इसमें पाबंद नहीं है? नहीं, मकसद सिर्फ ये वली पाबंद नहीं है, क्योंकि दीन जो है ना वो हजूर पाक से है ना, वली से दीन तो नहीं होता है ना। किताबें मुबीन यही जहर में जो किताबें हैं तुम्हारे पास, वो एक जहरी इलम है और ये बातनी इलम है, इसके सबूत मिलते हैं बकायदा। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि मुझे हजूर पाक से दो इलम हासिल हो गए, एक तुम्हें बता दिया, दूसरा बताऊं तुम मुझे कत्ल कर दो। इसका मतलब उन्होंने बताया ही नहीं ना, वो कत्ल इस वजह से कर दो कि तुम्हारी समझ में ये बातें आई ही नहीं। ये सिर्फ उन्हीं की समझ में आएंगी ना जिनको अल्लाह चाहेगा ना। तो जब तुम सारे मानते हो इस जिस्म को इधर रहना, असल चीज रूह है, मानते हो ना, मरने के बाद रूह ऊपर जाएगी ना, ये तो मानते हो ना। तो असल जब रूह है तो असल के क्यों ना नमाज तुम सिखाओ, वो असल के तुम असल को एक पढ़ना लिखना सिखाओ ना, और वो नमाजें पढ़ती हैं। हजूर पाक जब शबे मेराज में गए, मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरे, देखा मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़े, जिस्म तो नहीं पढ़ रहा था ना, वही कोई मखलूक पढ़ रही थी ना। ऊपर गए देखा मूसा अलैहिस्सलाम वहां भी मौजूद है। तो जब ये नमाज मयसर हो जाती है ना, तो फिर इस जहरी नमाज की कोई उसकी नजर में हकीकत नहीं रहती है। उस वक्त मुल्ला शाह फरमाते हैं असा इश्क नमाज जदू नीती है तो भूल गए मंदिर मसीती है। फिर उनकी नमाज रब का दीदार ही होती है और होती रहेगी, मरने के बाद भी होती रहेगी। सबसे पहले जो अल्लाह ताला ने बनाया ना, अपने अक्स को देखना चाहकर मैं देखूं कैसा हूं, सबसे पहले वो जो अक्स था ना वो रूह बन गई। वो सबसे पहले जो पहले रूह बने वो हजूर पाक के थी ना। तो आखिर में मैं ही हूँ, तो आखिर आखिरी नबी आप ही हैं। तो वस्त में अब थोड़ा सा बात समझने की है, पीछे कुछ कब्रें खोदी गई, 10,000 साल पुरानी कब्रें खोली, उनमें अल्लाह लिखा हुआ था, सुना होगा ना। जबकि अल्लाह जो है ना सिर्फ हजूर पाक को मिला और किसी नबी को नहीं मिला, लफ्ज़ अल्लाह हजूर। जबकि आदम अलैहिस्सलाम को आए हुए 6,000 साल हो गए, हजूर पाक को 1,400 साल हो गए, तो 10,000 साल पुरानी वहां अल्लाह कैसे चला गया? जिस तरह हाबील और काबील, हारूत और मारूत इस दुनिया में आए थे सिखा के चले गए ना, इसी तरह हजूर
आखिर मुबारक वस्त में भी आ चुकी है। जिसम यहाँ मिला है इनको, तब आपने कहा कि मैं इस दुनिया में आने से पहले भी नबी था। आपको कह रहे हैं मतलब आलमीन कहा गया, ऊपर तुम्हारे सियारे हैं, वहां भी दुनिया है, वहां भी आपकी रूह मुबारक जा चुकी है, उनको भी इस्लाम मुसलमान बनाया उन्होंने जाके। तब हम सब आलमों के लिए ना, लेकिन उस वक्त रूहानी तौर पे जाते रहे। इस सदी में इस आदम में उनको जिस्म मिला है, इससे पहले कई आदम आ चुके हैं, कई दफा कयामतें आ चुकी हैं इस दुनिया, और उसका हम सबूतों में देते हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया था तो फरिश्तों ने कहा था अल्लाह ये दुनिया में दंगा फसाद करेगा, कहा था ना, बिल्कुल कहा था। तो उनसे पहले आदमों का हाल देखा था, तब कहा था ना, वरना उन्होंने क्या पता था ये क्या बन रहा है, क्या करेगा जाके, हाय हाय हाय, कैसे कैसे जरूरत नहीं करते। और दूसरा, अपने आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में उतरे, उन लोगों ने जहाँ उतरे वो जगह बकायदा निशान लगाया हुआ है, बट दिखाते हैं यहाँ आदम अलैहिस्सलाम उतरे थे, मई हवा जद्दा में उतरी वहां भी उन्होंने निशान लगाया हुआ, यही माँ हवा उतरी थी, निशान लगाया हुआ है ना। उसके बाद जो भी वाकयात हुए किश्ती नूह के, वो भी लोगों ने निशान लगाए हुए हैं कि यहाँ सैलाब आया था। उसके बाद सेवन का किला गर्क हुआ, उसके भी सबूत तारीख बता रही है कि ये किला गर्क हुआ था। अब जो मुझे दरो है इसका कुछ सबूत ही कोई नहीं है भाई। अगर इस आदम अलैहिस्सलाम से होता तो इसकी तारीख में सबूत होता ना, वो टेक्सला में जो निकला है उसका भी कोई सबूत नहीं है, ना उनकी जबानों का पता है जो लिखी हुई है, ना उनके बर्तनों का पता है। इसका मतलब है कि वो आदम इससे पहले कई आदम गुजर चुके हैं, तो हमारे से पहले एक आदम जो गुजरे हैं उनकी जो कौम थी उसके पास इतना इल्म था, ऊपर जो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता नीचे उनको पता चल जाता, तो पता नहीं किस तरह अल्लाह ताला इनको बनाया हुआ था, इतना इल्म था उनके पास। फिर एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह अब तो हमारे काम में मदाखलत होती है, तू जो ऊपर हमको हुक्म देता है दुनिया वालों को पहले पता चल जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया जाओ उसका इम्तिहान लो जाके लोगों को। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम नीचे आते हैं, वहां कोई एक 12 साल का लड़का है बकरियां चरा रहा है, उससे पूछते हैं तू कुछ जानता है, वो कहता है पूछो कि बता जिब्रील किधर है। उसने आंखें बंद करी, उसने कहा आसमानों में नहीं है। फिर आंखें बंद करी, उसने कहा जमीन में नहीं है। तो फिर उसने कहा या तू है या मैं, या तू है या मैं हूं जिब्राइल, बताया अल्लाह ताला को उनकी हालत ही है। अल्लाह ताला ने पानी को हुक्म दिया जाओ इनको गर्क कर दो, उनको पता चल गया पानी हमको गर्क करेगा। अब इसको यूनान बोलते हैं, उस वक्त इसको कालदा बोलते थे, कालदा कालदा वो लोग कालदा बोलते थे, अब यूनान बोलते हैं। फिर उन लोगों ने शीशा वीशे डाला, लोहे डाला और शीशे के मकान बना लिए कि पानी जो है ऊपर से गुजर जाएगा। फिर पहाड़ों को हुक्म हुआ तो उन्होंने पत्थर बरसाया, उसको हमको गर्क किया। हमसे पहले जो आदम है इस तरीके से गर्क हुए हैं। और तीसरा सबूत, सारे कहते हो 124,000 नबी, कहते हो ना, जबकि इन आदम अलैहिस्सलाम को 6,000 साल हो गए। अगर हर साल एक नबी आता तो 6,000 नबी होते ना, और हर साल 10 नबी आते फिर भी कहते 60,000, 124,000 कैसे हो गए। ये पहले आदमियों के नबी शामिल करके 124,000 नबी होते हैं। बाकी हमारे जो आदम अलैहिस्सलाम हैं तो रहे थे, उनकी उम्र भी बताई है 900 साल उम्र है, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, पता नहीं 313 बने हैं, और बाकी किधर गए। 14 आदम इससे पहले आ चुके हैं, कई दफा ये दुनिया गर्क हो चुकी है। अब इसको जो गर्क होना है ना, अब बिल्कुल ही गर्क होना, इसके बाद फिर कोई नहीं आएगा, आखिरी है, आखिरी है।
कल।